सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फ्रेंड्स, आई एम शीबा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो मैं रिव्यू लेके आई हूँ वो है कोजीविट अल्ट्रा जेल के बारे में। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर चुके हैं या आप मेरे चैनल को फॉलो करते हैं तो आई एम श्योर आपने मेरा एक वीडियो देखा होगा जो है कोजी ग्लो जेल के बारे में। तो उन्हीं का एक सीरीज़ इन्होंने निकाला है, वो है अल्ट्रा जेल। तो अगर इसकी कार्टन की बात करूँ तो कार्टन एक नॉर्मल कार्डबोर्ड कार्टन में आता है और ये आता है 30 ग्राम के प्रोडक्ट में। और इन्होंने यहाँ पे इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट दे रखे हैं क्या क्या इन्होंने डाले हैं: ऑक्टिनोसेट, नियासिनमाइड, ग्लाइकोलिक एसिड, कोजिक एसिड, आर्बिटिन, मलबेरी एक्सट्रैक्ट, एलेंथियन, लिक्वराइज एक्सट्रैक्ट। तो इन सब के रेशियो इन्होंने डाले हुए हैं और सबसे ज़्यादा लिक्वराइज हमें जानते ही हैं कि काफ़ी अच्छा होता है हमारी स्किन को लाइटन और ब्राइटन करने में। और इसका जो प्राइस है मैं आपको बता दूं वो है 550 रुपीज़ और एक्सपायरी है 2019 और इसको बनाया है माइक्रो लैब्स ने। तो ये तो रही कार्टन की बात दोस्तों। और इसका जो ट्यूब है कुछ इस तरीके से दिखता है, सेम जो डिटेल्स इन्होंने कार्डबोर्ड में दिया है वही इसमें इन्होंने इंक्लूड किया हुआ है। फ्रेंड्स, वर्क करता है उनके लिए जिसको भी हाइपर पिगमेंटेशन हो, मेलाज्मा हो, डार्क स्पॉट्स हो और डिसकलरेशन हो चुका है या अनइवन स्किन टोन, टैनिंग, इन सब को बहुत ही अच्छे से केटर करेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं ट्यूब से कि मैं ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ इसको और मुझे एक पॉजिटिव रिजल्ट दिख रहा है। मेरे जो डिसकलरेशन था चीक्स के साइड में जो डिसकलरेशन था वो काफ़ी हद तक मुझे जाते हुए दिख रहे हैं, टैनिंग भी थोड़ा थोड़ा जा रहा है। तो आई कैन सी सम सॉर्ट ऑफ रिजल्ट देयर। इसको मुझे करीबन 1-1.5 महीने तक और लगाना है तभी जाके मुझे फुल प्रूफ रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि मैंने इसको लगाना शुरू कर दिया है और मुझे अच्छा रिजल्ट दिख रहा है तो आई थॉट वाई नॉट शेयर माई थाट्स ऑन दिस प्रोडक्ट। अगर आपको कुछ हेल्प मिल जाएगी, अगर आप भी कुछ मेरी तरह ही स्ट्रगल कर रहे हैं डिसकलरेशन पिगमेंटेशन से तो दिस विल बी अ हेल्प फॉर यू। आप इसको कहीं से भी ले सकते हैं, इट्स ओवर द काउंटर, बहुत ही ईजिली अवेलेबल है। इनफैक्ट आप अगर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भी जाएंगे तो ये आपको डर्मेटोलॉजिस्ट ही रेकमेंड करते हैं ये वाला क्रीम। ये काफ़ी सेफ है, इसमें ऐसा कोई भी हार्श केमिकल या स्टेरॉयड नहीं है जिससे कि आपकी स्किन को कोई भी नुकसान पहुंचे या स्किन को ख़राब कर दे, ऐसा कोई भी कॉम्पोजिशन इन्होंने नहीं डाला है। जितना भी मैंने आपको अभी बताया या आप देख रहे हैं जितने भी हैं ये सारे नेचुरल प्लांट से डिराइव होके ही आते हैं। तो इन्होंने इस बार जो इसमें एड ऑन किया है वो है ग्लाइकोलिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड हम जानते ही हैं वो बहुत ही अच्छा एक्सफोलियन का काम करता है। तो इस हिसाब से ये जो क्रीम है काफ़ी जल्दी इफ़ेक्टिव रहेगा कंपेयर टू एनी अदर क्रीम। और स्पेशली जो मैंने वीडियो डाला था कोजी ग्लो जेल के बारे में, मेरा फर्स्ट जो वीडियो था अगर आप फॉलो करते हैं तो उसमें ये ग्लाइकोलिक एसिड नहीं था। तो ये डिफरेंस उसमें है। और इसको आपको लगाना है रात में क्योंकि ये ऑयली है काफ़ी, तो जितने भी ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन टेक्सचर है उनको थोड़ा सा बॉदर करेगा, इसीलिए आप सिर्फ रात में लगाएं और हर दिन लगाने की कोशिश करें। स्किप करेंगे तो उतना ही आपका रिजल्ट आपको पीछे दिखता हुआ नज़र आएगा। आप हर दिन इसको लगाएं, फेस वॉश अच्छे से करें और इसको लगाएं और सुबह एक अच्छा सा सनस्क्रीन लगाएं, स्वेट प्रूफ लगाएं तो वो ज़्यादा बेटर होगा ताकि आपका स्किन प्रोटेक्टेड रहे 5-6 घंटे तक। और यही था फ्रेंड्स आज का मेरा रिव्यू। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मुझे बताएं कि क्यों नहीं आ रहा है ताकि मैं अपने वीडियो में इम्प्रोवाइज़ करूं। और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू जानना है तो प्लीज़ मुझे बताएं ताकि मैं आपके लिए वो प्रोडक्ट लेके आऊँ। सो दैट्स इट फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।